प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किसानों के खाते में 2019 की खराब फसल की बीमा राशि डाल दी है। इससे नागदा खाचरो क्षेत्र के 26,525 किसानों को तकरीबन 142,44,56,000 रुपये का भुगतान सीधे खाते में किया गया है। उज्जैन जिले के 1,44,000 किसानों को 8,68,00,000 रुपये का भुगतान किया गया है। यह बात पूर्व विधायक दिलीप सिंह शेखावत ने प्रेस से रूबरू होते हुए कही उन्होंने बताया कि आज़ादी के बाद पहली बार नागदा खाचरो तहसील के 26,525 किसानों को 142 करोड़ रुपए की बीमे की राशि का भुगतान हुआ है। कुछ समय पहले माननीय अनिल फिरोजिया जी जब सोयाबीन की फसल खराब हुई थी और उस खराब फसल को देखने के लिए किसानों के उस दुख की घड़ी में उनके साथ खड़े होने के लिए माननीय अनिल फिरोजिया जी के नेतृत्व में सैकड़ों भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता खेत खेत गांव गांव तक गए थे और उस वक्त माननीय अनिल जी ने भी कहा था और मैंने भी प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से कहा था कि एक सप्ताह के अंदर किसानों के घर में दीपावली मनेगी। आज माननीय मुख्यमंत्री जी उज्जैन आए थे और संपूर्ण मध्य प्रदेश में सोयाबीन की 2019 की जो नुकसान हुआ था उसका बीमे का पैसा आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने उज्जैन महाकाल की नगरी से डाला है। आज मुझे ये कहते हुए गर्व है कि या तो जब 53 इंच बरसात 2014 से 18 के बीच में हुई थी उस वक्त आज़ादी के 70-72 साल में सर्वाधिक राशि 70 करोड़ रुपया उस वक्त किसानों के खाते में डली थी। आज मैं ये कहूँगा और मैं तो माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय प्रधानमंत्री जी, सांसद जी, माननीय गहलोत जी, इन सब के प्रति आज आभार के लिए मेरे पास कोई शब्द नहीं है। शब्द इसलिए नहीं है कि 70-72 साल के आज़ादी में आज सर्वाधिक पैसा नागदा खाचरो विधानसभा में डाला है, लगभग 142,44,56,906 रुपया किसानों के खाते में आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने डाला है। जो मेरी जानकारी है 26,525 किसान के खाते में पैसा जाएगा। सबसे बड़ी बात यह है कि अगर ईश्वर की कृपा से, जनता के आशीर्वाद से पुनः एक बार मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री अगर माननीय शिवराज सिंह जी नहीं बनते तो शायद ये पैसा नहीं डलता। इसलिए मैं कह रहा हूं कि अगर 2,200 करोड़ रुपए जो मध्य प्रदेश सरकार का अंशदान था, जो माननीय कमलनाथ जी को 2019 में डाल देना था, कांग्रेस की उस समय की तत्कालीन सरकार को डाल देना चाहिए था, अगर वो राशि डाल देते तो उसी समय बीमा मिल जाता। 2018 गेहूं का भी बीमा अब मिला है मार्च के बाद में, वो भी इसलिए मिला है कि 2,200 करोड़ रुपए का अंशदान डला है इसलिए। और मैं ये कहूँगा और आज मन में प्रसन्नता होती कि जिस विचार को लेकर हम सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने भारतीय जनता पार्टी के विचार को अंगीकार करा कि जो अंतिम छोर पे खड़ा हुआ व्यक्ति है उसके उद्धार के लिए काम करेंगे। मुझे लगता है कि हिंदुस्तान में आज़ादी के बाद में सर्वाधिक किसानों के हित में जो योजनाएं बनी वो सब भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बनी है। ये मैं इसलिए दावे के साथ कहता हूँ कि पहले मोटरसाइकिल, मकान, दुकान का बीमा होता था लेकिन किसान की फसल का बीमा नहीं होता था। यह फसल बीमा योजना माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने लागू करी। किसान क्रेडिट कार्ड योजना नहीं थी लेकिन ये योजना भी माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने लागू करी। वर्तमान के अंदर जो नुकसानी का इकाई है वो किसान है लेकिन पहले कांग्रेस के राज में इकाई होती थी संपूर्ण तहसील कि हम तो डूबेंगे सनम, आप भी डूबो, ये वाली कहावत कांग्रेस के साथ में थी। लेकिन आज इकाई हमने किसान मानी और सबसे बड़ी प्रसन्नता की बात यह है कि जो मैंने लगभग जो मेरे पास पीडीएफ फाइल आई है वो 1900 पन्नों की फाइल है। नागदा और खाचरोद में 1900 पन्नों में दर्ज हुआ है नाम। आप सोचो कितने बड़ी संख्या में किसान होंगे 1900, और उस 1900 पन्नों की फाइल को, पीडीएफ को मैंने बहुत गंभीरता से देखा। हो सकता है एक आध दो नाम लेकिन 132 गांव में बीमा आ रहा है। आज़ादी के बाद में संपूर्ण 132-133 गांव में या तो बीमा आया था 2014 से 18 के बीच में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार मध्य प्रदेश में थी,
और यह बीमा 2020 में आया है। आज भी माननीय शिवराज सिंह जी मुख्यमंत्री है और इसलिए मैं प्रदेश के संपूर्ण नेतृत्व को बधाई दूंगा। माननीय कमल पटेल जी जो हमारे कृषि मंत्री हैं उनको भी धन्यवाद बधाई दूंगा। केंद्र के संपूर्ण नेतृत्व के प्रति भी मैं बधाई दूंगा और किसानों से यही आग्रह करूंगा कि इस हिंदुस्तान में अगर किसानों की हितेशी अगर कोई पार्टी है तो केवल एक में वो पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी। कांग्रेस के मित्रों को वैसे तो प्रसन्नता हुई होगी क्योंकि जनप्रतिनिधियों को अगर कहीं किसी अपने क्षेत्र के वासियों का अगर भला होता है तो ठीक है, लेकिन सदमा जरूर लगा होगा 1900 पन्नों की उस PDF फाइल को देख के। और इसलिए मैं पुनः एक बार मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी के प्रति आभार, कृषि मंत्री जी के प्रति आभार।